एवरीवन, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आप सभी के लिए, बिकॉज जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रंच को लेकर गंद मचाए हुए हैं, मतलब क्रंचर्स जो हैं वो जल्दी मानते नहीं इस चीज़ को कि भाई ये सब खाने से बहुत प्रॉब्लम होती है, जल्दी अपने व्यूवर्स को बताते नहीं है। लेकिन आज मेरे पास प्रूफ आ गया है, वो भी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर की वजह से आया है। उन्होंने मुझे वो स्क्रीनशॉट दिया जिसमें खुद उन्होंने लिखा हुआ है, लिखित प्रमाणित है प्रूफ के साथ, जो कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली बोला है कि हाँ इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ये वीडियो जानना है ना कि कौन सी क्रंचर है, तो वैसे तो टाइटल में देख ही लिया होगा, ढक्कन है ना, तो पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। और ठीक है, तो मतलब मेरा बस ये वीडियो बनाने का एक ही वो है, मतलब टारगेट है कि देखिए कोई बोले या नहीं बोले इस चीज़ को कि हाँ ये प्रॉब्लम करती है, लेकिन होती है प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखता है। अभी ये लोग नहीं बोल रहे थे, अपने वीडियो में नहीं बोल रहे थे, कमेंट के थ्रू ही मिला है मुझे, लेकिन मिल गया है। और दूसरी बात, अगर वो कमेंट भी नहीं मिलता मुझे तो भी मुझे लगता है कि कभी न कभी इनकी बॉडी रिएक्ट करती और दिखती। तो भाई हमारी जीजी जो है, हमारी ढक्कन जो है, उनके वो हमेशा बोलती थी कि हमारे डॉक्टर्स, मतलब मैंने ऐसा बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि उनके डॉक्टर्स बोलती हैं बोलते थे कि इससे कुछ नहीं होता ऐसा ऐसा, लेकिन अब भैया इनके डॉक्टर भी मान गए हैं कि इसको खाने से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, इधर अपने चेहरे पे लगा दूंगी, कहीं भी लगा दूंगी। फिलहाल मेरे गले में बहुत दर्द है और मौसम आपको पता ही है, पता नहीं। अच्छा बताओ, कमेंट्स करो किसके किसके साइड में बारिश हो रही है इस टाइम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। वैसे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जो हैं सच छत्तीसगढ़ के भी हैं, तो उनको पता होगा कि बारिश कंटिन्यू हो रही है इधर बहुत ज़्यादा, और मुझे 2 दिन से फीवर भी आ रहा था, इसलिए गले में दर्द है, बहुत वीकनेस है। और कुछ वीकनेस तो मुझे लगता है कि पहले से वही मिट्टी उट्टी की वजह से हुआ था, तो इतनी जल्दी रिकवर होने वाली है नहीं। जब वीकनेस आती है, प्रॉब्लम आती है ना, तो इतना गाली देने का मन करता है मिट्टी, क्ले पॉट्स और अपने आप को भी कि हमने खाया क्यों, या हमने यूज क्यों किया, या फिर इन लोगों को देख कर क्यों खाया, ऐसा मुझे बार बार अपने आप को लगता है। तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, सही बता रही हूँ, जो लोग खा रहे हैं, जो भी ढक्कन के या फिर जो भी क्रंचर्स के समर्थन में हैं, जो मेरे इस वीडियो को ढक्कन के नाम पे देखने आए हैं, उनको मैं सही बोल रही हूँ, बता रही हूँ दिल से कि जिस दिन बेटा अगर आप खा रहे होगे ना, जिस दिन आपको प्रॉब्लम होगी, जिस दिन बिस्तर से नहीं उठ पाओगे, प्रियंका जी को जाके देखो, उनकी वीडियो आई है बहुत सारी, उन्होंने खुद बोला है, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने क्यों खाया, अपने आप को गाली दोगे, अपने आप को। क्रंचर्स को छोड़ो यार, क्रंचर्स को छोड़ो, क्रंचर तो पैसे कमाने में लगे हैं, वो तो उनका तो काम ही है, जैसे एक प्रमोट करना, और जैसे एक दुकान वाले होते हैं ना, दुकान वाले दुकान पे वो बताते हैं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो बस वही चीज़ है। ये लोगों को पैसे कमाने हैं, ये लोग को आपके हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने हेल्थ का खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ एक मतलब कमेंट्स आया था मेरे पास, जब मैंने कमेंट्स पढ़ के सुनाया था, वो वाला नीलम की दुनिया पे जो कमेंट्स उनके पे आया था कि क्या बोलती जनता वाला जो वीडियो था नीलम की दुनिया के लिए, तो उस पे एक कमेंट्स आया था, वो मैडम शायद देख ही नहीं थे कि उनकी ढक्कन दीदी पे वीडियो नहीं है, ये नीलम की दुनिया पे है। मैं किसी एक के ऊपर टारगेट लेके नहीं चलती हूँ, और अभी फिलहाल ढक्कन पे एक दो लगातार वीडियो आ रही है, क्योंकि मतलब वीडियो ही मेरे पास ऐसे आ रहा है, कॉन्टेंट उसी के लिए आ रहा है, तो मैं बना रही हूँ। उसके बाद भी मैं और भी ऐसा नहीं, डिम्पल को छोड़ दूंगी मैं, अनु अनु अनुप्रिया को छोड़ दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबके लिए क्या बोलती जनता वीडियो लेके आई हूँ। तो वो उसने क्या कमेंट्स किया था, उसने कमेंट्स किया था मेरे पास कि अब यही रह गया है, अब कोई कॉन्टेंट तो तुम्हारे पास है नहीं, अब यही रह गया। तो मैं उसको जवाब दे दूँ कि भैया तुम्हारे दीदी की से तो अच्छा है हमारे पास कॉन्टेंट है, समझ में आया? अगर तुम ना कपिल शर्मा का शो नहीं देखती हो ना, तो जाके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कपिल शर्मा के शो जो तो देखता होगा, वो देखता होगा, उसको पता होगा, स्पेशली यूट्यूब पे खान सर का जो है कमेंट्स एपिसोड, या कोई भी एपिसोड एक्टर्स का देखोगे ना, तो वो इंस्टाग्राम पे जो हमारे एक्टर्स अपना फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो उस पे क्या कमेंट्स आया है वो पढ़ के सुनाते हैं, लोग हंसते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है,
वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। ये भी एक कंटेंट है लोगों को बताने का, वो मनोरंजन करता है, मैं यहाँ पे सच्चाई, लोग क्या ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं वो बताती हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं ये बताना चाहती हूँ मैं, कि जो ये सब मिट्टी उट्टी स्लेट पेंसिल आप लोग सोचते हो कि लोगों को देख कर बनाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी, तो बहुत अच्छा नहीं सोचते वो लोग, बहुत घटिया सोचते हैं। तो अगर आप इज्जत अपनी बनाना चाहते हो ना, इज्जत बरकरार रखना चाहते हो ना, तो ऐसी वीडियो कभी मत बनाना और ऐसा करना भी मत। तो चलिए कमेंट्स पढ़ लेते हैं भाई, मेरे पास ये है, ठीक है कमेंट्स। तो एक भाई, उनकी एक प्यारी से सब्सक्राइबर ने, ढक्कन की सब्सक्राइबर ने पूछा था, दीदी जैसा आपने बताया कि आप चेकअप करवाते हो 6 महीने पर, तो डॉक्टर ने बताया बताया कि कुछ तकलीफ है या हो सकती है इन चीज़ों को खाने से, तो दीदी का आंसर जान लेते हैं। सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ ताकि आप लोग हंस सको, ठीक है। तो हां जी डियर, डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कुछ चीज़ें होती हैं बॉडी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बॉडी हैं, जिस दिन अगर वैसे हुआ तो मुझे क्ले बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, हर चीज़ों की लिमिट होती है डियर, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो इन्होंने क्या अपने कमेंट्स में बोला है, इन्होंने यही बोला है कि इनके डॉक्टर ने बोला है कि कुछ चीज़ें हमारी हम खाते हैं तो हमारे शरीर की एक लिमिट होती है जो कि उसको झेल सकता है, अगर नहीं झेल पाया तो हमें ये से छोड़ना पड़ेगा। तो उसके नीचे एक और कमेंट्स था कि इंग्लिश में उन्होंने लिखा था कि यू हैव टू लेफ्ट दिस हैबिट, देन ऑन विच कॉन्टेंट यू मेक वीडियो डेड बिकॉज दिस कॉन्टेंट गिव यू, नीचे कट है पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने। तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप ये छोड़ते हो, लेफ्ट छोड़ देते हो ऐसी वीडियो बनाने, तो आप कौन सा कॉन्टेंट यूज बनाओगे, किस कॉन्टेंट पर बनाओगे वीडियो, ऐसा। तो उसके आगे उन्होंने क्या कमेंट किया मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना ही स्क्रीन शॉट आया था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और हो सकेगा तो मैं, अगर लगेगा मुझे तो स्क्रीन शॉट लगाऊंगी, नहीं तो भैया दीदी को ना हमको नो मौका नहीं देंगे कॉपीराइट क्लेम का, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि सच्चाई बाहर आए, ठीक है। तो हम कोनो कॉपीराइट क्लेम का जो है मौका नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हम अगर वीडियो लगाएंगे भी तो कुछ करके ही लगाएंगे भैया, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, समझ रहे हैं ना। तो बस वही चीज़ है, और जिसको सच में ये स्क्रीनशॉट चाहिए वो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके ले सकता है, ऐसा नहीं है, सच में मेरी मेरी प्यारी सी अंकिता जी ने भेजा है मेरे को स्क्रीनशॉट, और इनके ही वीडियो से भेजा है इनका, क्या बोलती जनता तो इन्होंने क्या बोलती जनता नहीं, ये खुद बोलती जनता बन गई है आज ढक्कन जी। तो चलिए अच्छी बात है, ढक्कन जी इन्हें कम से कम किसी एक व्यूवर्स के सामने तो ये बोला कि हाँ ये हाँ मुकरती है। तो भाई आप लोग अपनी जिज्जी की बात बहुत मानते हो, तो जिज्जी ने बोल दिया है, ऐलान कर दिया है, इनके डॉक्टर ने भी ऐलान कर दिया है कि ये हार्म करती है और एक बॉडी एक लिमिट के बाद रिएक्ट करना शुरू कर देती है, तो भैया इंतजार करो जिज्जी के बॉडी कब रिएक्ट करेगी या फिर और भी जो क्रंचर्स हैं उनकी बॉडी कब रिएक्ट करेगी, है ना। मुझे ये सब ऐसे बोलने में बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज मैं इस तरह से बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन ठीक है, अपने व्यूवर्स को हंसाने के लिए बोलना पड़ता है। और कल जो स्टोरी मैंने कहानी बनाया था, तो वो उस वाले वीडियो में एक कमेंट आया था, ओवर रिएक्टिंग। ओवर एक्टिंग ठीक है यार, अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों को हंसाने के लिए ओवर एक्टिंग भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है मैं बोरियत या फिर मैं किसी के लिए दुश्मनी या झगड़ा करने के लिए इस इरादे से मैं इस चैनल पे नहीं आई हूँ, मैं बस सच्चाई और मतलब लोगों को जागरूकता के लिए ही आई हूँ इस चैनल पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जानो, और देखो यार ये सब चीज़ें ना सच में अच्छी नहीं है, और जिस तरीके से बढ़ रहा ना हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा विकार हो जाएगा, ये आम चीज़ हो जाएगा, हमारे बच्चे भी खाएंगे इस चीज़ को देख देख के, अभी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन देख के खा रहे हैं, ठीक है, अब फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते लोगों के ज़िंदगी में आम हो जाएगा वो चीज़ें, है ना। तो हमारे बच्चे भी जैसे आम, जैसे नॉर्मल चीज़ें बिकती है ना, वैसे ये बिकेगी, तो हमारे बच्चे भी देख के खाएंगे। वीडियो को छोड़ो, वीडियो छोड़ो, ऐसे नॉर्मली लोग खाएंगे, जैसे सिगरेट गुटखा नॉर्मली रोड पे खड़ोगे खाते, वैसे इसको भी खाएंगे, तो हमारे बच्चे भी खाएंगे ना। आप लोग को जो लोग उनके साथ है ना, क्रंचर्स के साथ है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, अपने नहीं देखते हो तो कम से कम अपने बच्चों के, अपने फ्यूचर के बारे में तो देखो, उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचो।
और यार देखो एक बार बताएं, इस क्रंचर की दुनिया में ना मैक्सिमम जो क्रंचर्स है ना वो उनका एज देखो आप 40 के अंदर में ही है, और मैक्सिमम तो अनमैरिड है लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां हैं इसलिए क्योंकि उन लोगों को शादी से पहले ही या पेरेंट्स मतलब ये इस चीज़ की ज़रूरत है, और यही चीज़ सोचते हैं ना ये क्रंचर्स को देख कर ये सोचते हैं कि भैया हम जो है ये चैनल ये कॉन्टेक्ट अपनाएं और खाएं। तो जितना मेहनत आप खाने में क्रंच वीडियो बनाने में कर रहे हो ना, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है भैया, आप तो तुमको बता दें हम कि जल्दी ही हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं, सबको उड़ जाएगा सब ठीक है, और रिपोर्ट करने से बहुत होता है प्रॉब्लम ठीक, तो बात को माना करो आप लोग। चलो विथ प्रूफ के साथ आपको बता दी कि हमारी ढक्कन ने भी मान लिया है कि इसको खाने से प्रॉब्लम होती है। आज के लिए ही इतना, सॉरी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ढक्कन को छोड़ के बताना यार, ढक्कन के ऊपर ना बार बार वीडियो बनाने में, एक दो वीडियो के बाद देखा जाएगा ना, अभी नेक्स्ट बताना मुझे ठीक है, क्या बोलती जनता। देखते हैं भैया नेक्स्ट क्रंचर का कौन सा नाम आप लोग देते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।